गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो टाइम हो चुके 2 और हम निकले ग्रोसरी का सामान लेने। और मेरे जो माइक है कैमरे का, वो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी नॉइस आ रही है जब हम रिकॉर्ड करते हैं। आई डोंट नो अभी भी कैसी आ रही होगी, तो वो चेक कराना है। या तो वायर लूँगा नहीं, या फिर उसका जो शॉक माउंट होता है वो भी थोड़ा सा क्रैक हो रहा है, तो वो लूँगा। आई एम नॉट श्योर कि वो किस क्या चीज़ की किस चीज़ की प्रॉब्लम है, तो मेरे को रिस्क लेना पड़ेगा वायर के साथ या शॉक माउंट के साथ। अगर कुछ हुआ तो मेरे को रिप्लेस भी करवाना पड़ सकता है। तो लेट्स सी, चलते हैं अभी हम मार्केट की तरफ। और नया अभी यहाँ पे आई है क्योंकि ये कुछ सामान थोड़ा सा फेंकने जा गई थी, अब वापस आई है, तो अब मिला रहा हूँ मैं आपसे। तो दो बच्चों के सुबह सब एवरीवन, दिस इज एवरीवन जिंगल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड होप डूइंग परफेक्टली फाइन। तो चलते हैं सफर की तरफ। अभी तक मेन जो रोड है वो थोड़ी थोड़ी खाली सी लग रही है, बाकी का रास्ता कैसा होगा, बाकी का सफर कैसा होगा वो देख के बताते हैं। सफर तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम लॉन्ग ड्राइव पर कहीं दिल्ली निकल रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है, हम बस रोज सेक्टर में जा रहे हैं। तो ओके बाय। तो अभी सामान ले लिया हमने जो लेना था सब, लेकिन घर से हम सिर्फ 2 चीज सोच के आए थे, लेकिन यहाँ पे हमने कम से 3,000 का बिल बना दिया। जो दिखा सब ले लो, सब ले लो। अभी भी जो इसने सोचा था कि ये ले लेती हूँ, देखते वो चीज़ मिली नहीं, वो आउट ऑफ स्टॉक थी। तो थैंक गॉड अभी हम दूसरी जगह पर निकल रहे हैं 21 सेक्टर जाने के लिए, वहाँ से भी हमने कुछ लेना है। तो 22 से देखते हैं, अगर शॉप्स मार्केट्स ओपन रही तो माइक का जुगाड़ कुछ करता हूँ मैं, लाइट्स होगी। मिलगी? हाँ, पर ओरिगैनो चीज़ फ्लेक्स, चीज़ ओरिगैनो और क्या होता है, चिली फ्लेक्स, वो नहीं आ रहे, वो लेना है। 10 यहाँ से ओरिगैनो लेनी थी और कुछ लेमन एसेंस होता है कुछ फूड में डालने के लिए, तो वो भी हम भूल गए थे पहले, एक ग्रोसरी जहाँ से ली वहाँ से लेना, तो रास्ते में याद आया तो अब रुके यहाँ पे लेने के लिए। वो सब शायद मिल गया है क्योंकि नेहा आने की, हाँ मिल गया, वो ले आया पैकेट उठा के, अंदर नहीं जाने दे रही किसी को भी। और जितना जनरल स्टोर पर रश नहीं है, उससे डबल ट्रिपल रश लिकर स्टोर में है, पता नहीं लोग इतने बावली क्यों रखे दारू को लेके। चलो उनके लिए अच्छा है, नो कमेंट्स, मैं कुछ नहीं बोल सकता। टॉप टॉप क्या मिला? लूज भी है। व्हाट्सअप एवरीवन, तो आज मेरी जो है वो फर्स्ट क्लास है इंस्टाग्राम के साथ, 6 बजे से 7 बजे तक अभी टाइम हो चुका है 5:45, और वो किसी भी टाइम शुरू हो सकती है। मेरे को जैसे अभी लॉगिन करना है अपनी जूम ऐप पे, तो होपफुली आज वीडियो कॉल होगी, इसलिए मैं वेल ड्रेस्ड हूँ, वेल ग्रूम्ड हूँ। तो पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ, और इसकी मेरे को कैमरे की बैटरी भी चेंज करनी है, फिर मैं आके आपको बात कर लूँगा। सेशन शुरू हो गया, अटेंडेंस आ चुके हैं, और मैंने अभी अपना हेडफोन सेट कर लिया पूरा, अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शुरू हो रहा है ताकि लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सके, थोड़ा सा बता सके वो क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं। तो मैंने पहले थोड़ी वीडियो दिखा दी आपको, थोड़ा शूट कर दिया। मेरी यहाँ मास्टर क्लास चल रही है, उसका अपना ही चल रहा है, अपनी पंजे पे छेड़ रही है, क्या करिए, चू 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 चल रही है। तो अभी हमें पूरा का पूरा इंस्टाग्राम का जो भी सेशन होता है, जो भी चीज़ें होती है इंटरेक्ट करने के लिए अपने ऑडियंस के साथ, टीवी कैसे वर्क करता है, आप कैसे नए नए आइडियाज़ अपने अंदर क्रिएट कर सकते हो कि जिससे आपकी इंगेजमेंट थोड़ी इंक्रीज हो, वो समझा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा है। और अभी तक आई गेस 356 लोग आ चुके हैं, जबकि फ़ोटो दिख रही किसी नहीं दिख रही। कुछ ऐसे भी बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं कुछ, जो कंटेंट अपना यूट्यूब पे डालते हैं, जो अपना इंस्टाग्राम पे डालते हैं, जो टिकटॉकर्स हैं या फोटोग्राफर्स हैं। देखो जरा बड़ी पढ़ाइयाँ हो रही हैं ना भाई साहब को, कॉफ़ी भी यही मिली है, गार्लिक ब्रेड भी यही मिली है, अब लंच क्या पढ़ाइयाँ करी जा रहा है, लिखी जा रहा है। ये देखो दुबई वाली पेंसिल, बड़ा सेटअप देखो, माय गॉड, हाय हाय निराई, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो दिस इज इट, 1 घंटा बोल के 1.5 घंटे की मीटिंग हो गई, मीटिंग सेशन हो गया, और काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को मिला। 500 एंड में आते आते 400 कुछ पार्टिसिपेंट्स हो गए थे जो ज्वाइन किया होता जिन्होंने, तो
काफ़ी कुछ सिखाया उन्होंने। इन्होंने बोला कि जो आपके चैलेंजेस होते हैं, जो आपके स्टोरीज में जाके नया इन्होंने फीचर दिया चैलेंजेस का, आप वो क्रिएट कर सकते हो, कुछ नया कंटेंट उसमें डाल सकते हो कि चैलेंज करो कि क्या ऐसा तुम अलग कर रहे हो जो आपके ऑडियंस को पसंद आए, और ऑडियंस को बोलो कि वो काम करे, वो चीज़ ट्राई करे करके, और जब वो आपके ऑडियंस करके हटती है तो आप उसको रीशेयर करो। तो फर्स्ट थिंग इज चैलेंज करें, क्रिएट योर ओन चैलेंज। दूसरा है डोंट एवर शेयर योर पासवर्ड्स। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कहती हैं कि हमें एसएस दो अपनी इंस्टाग्राम का, ताकि हम देखें आपकी इनसाइट्स कितनी हैं, आपकी ऑडियंस कहाँ की है, एज ग्रुप क्या है उनका, तो वो आपको काम ला के देगी, आपको ब्रांड्स ला के देगी। तो दे वर सेइंग कि दे आर नॉट श्योर अबाउट इट कि वो कितने ऑथेंटिक है, कितने जेन्युइन चीज़ है वो। तो डोंट एवर शेयर योर पासवर्ड अनटिल अनलेस कोई आपको ऐसा नहीं मिलता जिसने बताया हो कि मैं उस कंपनी के साथ या उस वेबसाइट के साथ 4-5 साल से ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, बहुत सही काम चल रहा है, मेरी कोई कभी मेरे इंस्टाग्राम को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो देर इज़ नो शेडो बैन। एक्चुअली मैंने सारा नोट कर रहा था मैं अपना कि वो क्या क्या हाईलाइट्स बता रहे ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो वो है कि देर इज़ नो शेडो बैन। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरी जो पोस्ट है वो एक हाई नंबर तक पहुँच नहीं रही है, वो वहाँ जा नहीं रही जहाँ तक वो जानी चाहिए। तो उन्होंने ये बोला कि हम किसी इंडिविजुअल को या हम किसी इंडिविजुअल क्रिएटर को पकड़ के शेडो बैन नहीं करते कि इसकी पोस्ट जानी नहीं चाहिए या हमारी खुद तक नहीं है पर्सनल। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जस्ट आपको फील होता है। वो जस्ट ये होता है कि हर एक बंदा मिनिमम 200 300 500 600 बंदों को फॉलो कर रहा है, तो आपकी पोस्ट कहाँ चलेगी, कैसे चलेगी, वो दिखेगी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी 500 को फॉलो कर रहा है, क्या पता उसमें से 10 या 100 ऐसे लोग जो कंसिस्टेंटली अपने पोस्ट कर रहे हो, जो अपना उनका कंटेंट है, तो आपको कहीं खो जाता है। तो आपको ऑथेंटिक होना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा उस चीज़ में, आपके पोस्ट डालते रहना पड़ेगा ताकि आप उनके बार बार होम फीड में आते रहो। यूज़ रेलिवेंट हैशटैग्स। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या है कि हर कोई, मैंने कई लोगों के उसमें देखा कि कैप्शन में वो 30 कैप्शन जो डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उन्होंने बोला कि इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आप 30 हैशटैग्स डाल दो, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट आपकी इमेज जो बोल रही है, जो आपकी इमेज है, उसके रेलिवेंटली चाहे आप 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, डजेंट मैटर। अगर 30 डाल रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और आई एम श्योर कि वो रेलिवेंट नहीं होंगे उस चीज़ को लेके। लेट्स से कि आपने दुबई में फ़ोटो खिंचवाई, जैसे मैंने अभी रिसेंट फ़ोटो अपलोड की है दुबई की, दुबई में कितने ही ऐसे हैशटैग्स हो जाएंगे जो 30 प्लस चल जाएंगे, कि अगर मैंने फ़ोटो खिंचाई बीच पे और मैं मॉल को टैग कर रहा हूँ तो वो एक ऑथेंटिक चीज़ नहीं लगती कि कोई मॉल गया है, मॉल की चेक करें कि मॉल की फ़ोटोज़ में देखूँ कैसे कैसे चीज़ आ रही है, और वहाँ पे उसको बीच की फ़ोटो मिले, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो श्योर नहीं होगा कि यार ये क्या दिखा रहा है, ये तो बीच है, तो वो आप कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड में चले जाओगे। तो प्लीज़ यूज़ रेलिवेंट हैशटैग्स, चाहे 2 ही करो चाहे 3 करो, पर रेलिवेंट। ओके, शुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ व्हेन यू फील यू हैव गॉट न्यू फॉलोअर्स। लेट्स से यू आर अ ब्रांड नाउ, फॉलोअर्स काफ़ी सारे आ गए आपके पास, और एक दिन में 10 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप थोड़े थोड़े देर बाद, थोड़े थोड़े टाइम बाद, थोड़े थोड़े इंटरवल बाद, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो उन फॉलोअर्स को जो नए आपके साथ ऐड होना है, कि 10 नए हैं आपके पास फॉलोअर्स और वो आपको नहीं जानते, उन्होंने जस्ट आपको कंटेंट देखा और आपको लाइक कर दिया, उनको नहीं जानते कि आप क्या करते हो, आपने क्या क्या किया है, किस किस के साथ काम किया है, वो आप नहीं जानते। तो आप एक स्टोरी बनाओ या एक IGTV बनाओ जिस पर आप एक्सप्लेन करो पूरा अपने बारे में, ताकि उनको आपके बारे में और दिलचस्पी हो, वो जानने के लिए और हो कि क्या करता है, क्या कर रहा है ये अभी वहाँ के। और साथ में इन जस्ट इन केस कि अगर आप, जैसे मैं चंडीगढ़ रह रहा हूँ और वो चंडीगढ़ के ही है, या वो कुछ 10 साल पहले चंडीगढ़ रहते थे, तो एक बाउंडेशन क्रिएट हो जाता है कि अच्छा वो भी चंडीगढ़, मैं भी चंडीगढ़ का हूँ, तो ये चंडीगढ़ के ब्लॉग्स डालता है, चलो मैं चेक करता हूँ इसके, ताकि मेरे को थोड़ी सी मेरी मेमोरीज क्रिएट हो जाए, नया बन जाए कि हाँ कि अब चंडीगढ़ में कितना कुछ अपडेट हो गया है। जैसे नेक्स्ट वॉज पोस्ट व्हेन यू फील लाइक। ओके, कुछ टाइम पहले मैंने कहीं आर्टिकल्स में पढ़ा था कि उन्होंने बोला कि पोस्ट एज मैनी पिक्चर्स एज यू कैन, कि ऐसा नहीं है कि 10 फोटो खींच दो, 15 फोटो अपलोड कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पोस्ट जब आपको करना हो तब आप पोस्ट करो, जस्ट बी लाइक कि कंसिस्टेंट होना चाहिए आपका। अगर आपने सोचा है कि एक दिन में मेरे को 2 पोस्ट करने हैं या 3 दिन में मेरे को 1 पोस्ट करना है, तो वही आपका एक रूटीन बनना चाहिए, ताकि एक हर एक फॉलोअर्स को पता लग जाए कि 3 दिन बाद इसका एक पोस्ट आता है या 2 दिन बाद इसका एक पोस्ट आता है, ताकि वो और इंगेजमेंट आपको दे सके। और था मेक योर वीडियो क्रिएटिव। क्रिएटिव इन द सेंस कि हर कोई वीडियो बना रहा है, और हर एक ऑडियंस को, हर एक फॉलोअर को, हर एक लोग को कुछ क्रिएटिव चाहिए आपकी वीडियो में।
कुछ नया चाहिए देखने के लिए, तो ट्राई कि आपकी जो वीडियो हो थोड़ी सी अलग हो बाकी लोगों से। टाइम लगता है एक नया कंटेंट बनाने के लिए, एक नया टेस्ट देने के लिए अपनी वीडियो को, लेकिन धीरे 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 जैसे आप बनाओगे, 10 बनाओगे, 50 बनाओगे, 100 बनाओगे, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि पब्लिक क्या पसंद कर रही है उस 10 में से या उस 100 में से, डिफरेंस निकाल के क्या वो लोग पसंद, आप फिर उसको ही पकड़ के आप एक बना सकते हो। जैसे वो भुवन बाब है, उसने बिल्कुल सबसे पहले चीज़ करी कंटेंट की, कि उसने कंटेंट सबसे अलग था उसका, प्लस उसने एक ही वीडियो में 10 करेक्टर या 7 करेक्टर, 5 करेक्टर, जो भी जितने 3-4 करेक्टर जो स्टार्टिंग में उसने रखे, वो उसने कंसिस्टेंट बना लिए कि ये जो फैमिली मेंबर्स हैं मेरे, ये सब एक वीडियो में मेरे साथ रहेंगे, या नया ऐड ऑन कब करना है उसने पहले ही पब्लिक को बता दिया कि कब मैं नया ऐड ऑन करने लगा हूँ। तो उससे क्या होता है, लोगों को हर एक करेक्टर की आदत पड़ जाती है, हर एक वीडियो की, हर एक एडिट की आदत पड़ जाती है, और वही माइंड में रख लेता है कि अच्छा ये होने वाला है, अच्छा अब ये चार जने हैं ये क्या करेंगे नया, या इसकी स्टोरी ऐसी है तो अब ये क्या करेंगे। उसके बाद हमारा जो सेशन था वो बाकी IGTV के रिलेटेड था, IGTV कब पोस्ट करनी चाहिए, कैसे पोस्ट करनी चाहिए, उसके साइज़ क्या रहता है, वेरीफाई कैसे होना है, कौन कौन वेरीफाई हो सकता है, अगर आप नहीं हो रहे हो, अपने अप्लाई किए हो अगर फिर भी नहीं हो रहे हो तो डरने की कोई बात नहीं है, इट इज़ जस्ट एक स्टेटस सिंबल अब बन चुका है, लेकिन इतना जो वेरीफाई है वो इतना ज़रूरी नहीं होता। अगर आप एक ऑथेंटिक हो, आप एक जेन्युइन हो गए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं हो तो डजंट मैटर। और इंस्टाग्राम कंपनी जो है वो कभी भी चार्ज नहीं करती है वेरीफाई करने के लिए, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको जस्ट अपना एप्लीकेशन भेजनी है, अपनी फ़ोटोज़ या कोई अपना आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट उनको भेजना है, और वो चेक करेंगे कि आप वेरीफाई होने लायक हो या नहीं हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं, अगर आपकी कोई कंपनी आपको बोलती है कि मुझे 10 लाख रुपए दो या 5 लाख रुपए दो मैं आपको वेरीफाई करा दूंगी, तो नेवर एवर पे, वो अपनी जेब में डाल रहे हैं, वो इंस्टाग्राम से रिलेटेड कोई नहीं है उस चीज़ का, सो कीप दिस इन माइंड। और बाकी फिर उसके बाद लोगों ने क्वेश्चन पूछे जो फूड ब्लॉगर्स थे, जो मेकअप आर्टिस्ट थे, तो अगर आपके माइंड में कुछ है कि ये चीज़ मेरे को पूछनी है तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा, अगर मेरे को पता होगा तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपसे आपको बता दूँ, नहीं तो मेरे जो मैनेजर, जो उन्होंने मेरे को मैनेजर असाइन किया है इंस्टाग्राम टीम ने, मैं उनसे क्वेश्चन पूछ लूँगा और फिर आपको उसका आंसर दे दूँगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटएवर रीज़न प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। आगे भी सेशन आ रहे हैं, मैं उसमें भी आपको बताता रहूँगा कि कैसे कैसे करना चाहिए ताकि आपको और इंस्टाग्राम को और इनहांस कर सको। तो स्टे ट्यून्ड, बाय।